तो इंटरव्यू तुम लोगे? यस सर। नमस्कार, आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें ना सिर्फ आप या हम जानते हैं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी उनसे परिचित है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हर साल एडमिशन के वक्त आप हर स्टूडेंट से बहुत सारे वादे करते हैं, यही सोचकर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें निराशा मिलती है, उन्हें दुख होता है। आपके राज में भी ऐसा है, ऐसा क्यों सर? लगता है तुम अपने हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज हमारी यूनिवर्सिटी के हर हॉस्टल के बाहर अलग अलग स्मोकिंग जोन बने हुए हैं। हर महीने बाहर से गांजा मंगाया जाता है, और तो और फ्री वाईफाई का कनेक्शन है। हर आदमी के पास अपना खुद का लैपटॉप है जिस पर वो फ्री वाईफाई पर पॉर्न देखता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में लोंडो का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हुआ है, और तो और पिछले 5 सालों में किसी का ब्रेकअप भी नहीं हुआ। कोई भी सिंगल लोंडा पॉर्न तो क्या, बल्कि पूरे दिन फेसबुक तक भी नहीं चला पाता, और किसी को भी फ्री गांजा नहीं मिलता, उसके लिए भी उन्हें गांज देना पड़ता। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। मैं मालूम है, मेरे डीन बनने के बाद से कॉलेज में सिंगल लोंडो के लिए गर्लफ्रेंड की संख्या बढ़कर 84.8% हो गई है। अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में सिंगल लोंडो की संख्या सिर्फ 8% रह गई है। लोनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है, सिंगल लोंडो की केस में भी नंबर 1। हमारे यहाँ अब 34.8% लोंडे ही सिंगल रह गए हैं। JNU में सिर्फ 11.2% सिंगल है, और आज भी हमारे कॉलेज में 10 लड़कों के ऊपर सिर्फ 2 ही लड़कियाँ। मिस्टर अनिल कुमार, पहले अपने आंकड़े साफ करो फिर बात करो। सर, ये हमारे यहाँ पर के BCOM, BA और BSc की सिंगल लोंडो की रिपोर्ट है, और ये यहाँ पर एडमिशन लेने वाली लड़कियों की लिस्ट है। एडमिशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन लड़कियों के एडमिशन इस कॉलेज में हो चुके थे वो कभी कॉलेज पहुंची ही नहीं, उन्हें आपने किसी और कॉलेज में भेज दिया, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई लड़की दिखती नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है बेटे, लड़कियों ने ऐसी शर्तें रखी थी कि हर लोंडा बर्बाद हो जाता। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताइए। वो ऐसे नहीं बता सकता, तुम्हारे हेड को बता दूंगा। हेड भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बताइए सर, क्यों किए थे एडमिशन कैंसिल? वो ऐसे नहीं बताया जा सकता, पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का, लाइब्रेरी में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। सर, डीन बनने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? मैं भी पहले सिंगल हुआ करता था और पढ़ाई करता था। ये याद है सर? देखा है कहीं। ये लोली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस। ओह, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम हर लौंडे को एडमिशन दिलाएंगे, हम हर सिंगल को गर्लफ्रेंड दिलवाएंगे, तनहाई जाएगी, गर्लफ्रेंड आएगी, हर सिंगल लौंडे को हर साल एक गर्लफ्रेंड दिलवाएंगे, वो गर्लफ्रेंड दिलवाएंगे की जगह छुड़वाएंगे, छप गया था, मैंने उसे ठीक कराया था, मुझे याद है। ये सब हुआ? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते गर्लफ्रेंड दिलाएंगे, लेकिन इस कॉलेज में लौंडो को सिंगल रखने वाला ही आप है। तुम ऐसी बातें करके इन लौंडो को भड़काना चाहते हो क्या? मैं लौंडो को भड़काने नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि लौंडो को भी सच्चाई का पता लगे। ये देखिए। सर क्या करूँ, सिंगल लौंडो ने भी हंगामा कर रखा है यहाँ, गर्लफ्रेंड की डिमांड कर रहे हैं। कुछ सिंगल हंगामा करते हैं तो करने दो, तोड़फोड़ करते हैं तो करने दो, ये सिंगल पहले चिल्लाएंगे बाद में घर चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है गर्लफ्रेंड बनवाने की। अब बोलिए सर, लौंडो को अपने धोखे में क्यों रखा? क्या हुआ सर, कुछ बोलिए। इंटरव्यू खत्म करें, चलें। सर आप ऐसे नहीं जा सकते, इस वक्त हर सिंगल लौंडा आपको देख रहा है, उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। अच्छी डबिंग की है, मेरी जैसी आवाज वाले किसी भी आदमी से कुछ भी बुलवा कर तुम इन सिंगल्स को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो क्या? ऐसे सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे मैंने खुद अपने चाइना के मोबाइल से रिकॉर्ड किया। अंगीठी यूनिवर्सिटी वालों ने इसके लिए तुम्हें कितनी दारू पिलाई है? आप अंगीठी में होते तो कितनी पिलाते? सिंगल लोंडो की आड़ लेकर तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं जवाब दूंगा क्यों? सर जवाब देना आपका काम है, आप हमारे डीन है। अरे डीन क्या होता है जानते हो तुम? आज तक कभी तुमने डीन की चौखट पार की है? जो डीन की कुर्सी पर बैठा है वही जानता है। कभी तुम लोगों के लिए कैंटीन में चाय खत्म हो जाए उसका जुगाड़ करना, कभी फ्री वाईफाई का जुगाड़ करना, जो डीन की कुर्सी पर बैठता है वही जानता है।
और जब कभी कॉलेज में फसाद होता है तो मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। पहले मैं उस फसाद की जड़ तक जाता हूँ, फिर उसे सुलझाता हूँ। उस दिन भी मैंने यही किया। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जिन लड़कों को आसानी से लड़कियों के नंबर मिल सकते थे उन्हें आपने नंबर देने नहीं दिया, और अब यहाँ बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल कर देखो तब पता चलेगा। एक दिन डीन की कुर्सी पर बैठकर देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कॉलेज में इसके लिए भी प्रोविजन है, एक छोटा सा एग्जाम पास करना पड़ेगा बस। एक दिन 24 घंटे कुछ भी नहीं है। सर आप बकचोदी कर रहे हैं। अरे बकचोदी तो तुम समझ रहे हो, एक बार डीन की कुर्सी पर बैठकर देखो पता चलेगा कितने अंगारों पर बैठा हूँ मैं, कितने सिंगल लोंडो की टेंशन है मेरे ऊपर। जब तुम डीन बनोगे तो तब पता चलेगा कितने लोंडे सिंगल हो और कितनों को गर्लफ्रेंड मिली। फिर तुम यहाँ बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, बोलो क्या बोलते हो? नहीं सर वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई। तुम जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट सिर्फ नेतागिरी करना जानते हो, कुछ सिंगल हो लेकिन दोस्तों के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। बोलो बच्चे, लोग देख रहे हैं, जवाब दो। आप बोल दे। इंटरव्यू खत्म करें। ठीक है सर, अगर आप भी यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, अब से मैं आपकी कुर्सी पर बैठूं। Nayak!